अय्याशियों को पूरा करने के लिए कर रहे थे सड़कों पर लोगों से लूटपाट। पुलिस ने किया चार साथी बदमाशों को गिरफ्तार। थाना शाहजादा नगर क्षेत्र में सड़कों पर लूटपाट करने और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चार साथी बदमाशों को एसओजी और थाना शाहजाद नगर पुलिस ने लूटे हुए 11 मोबाइल व 28,000 रुपए की नकदी और दो बाइक चार तमच्चों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनका आपराधिक इतिहास लंबा है। कोतवाली सिविल लाइन थाना फोर्ट थाना शाहजाद नगर में इनके खिलाफ पहले से ही चोरी लूटपाट और अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज है। सीओ कैमरी ने बदमाशों का पर्दाफाश करते हुए बताया कि यह बदमाश अपने अय्याशियों के लिए सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को निशाना बनाकर उनसे लूटपाट करते थे, जिन्हें आज मीडिया के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया है। रिपोर्ट फुरखान अंसारी। कूलर और एसी के बीच की जगह लेते हैं हम। 24 से 26 डिग्री, जब बाहर 42 डिग्री होता है, हम डिलीवर करते हैं, जो कि ग्रीन टेम्परेचर है। हम रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी कंप्रेसर और कंडेंसर, जो कि यूजुअली फ्रिज और एसी में यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रिज और एसी की तरह हम गर्म हवा एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ते। इसीलिए हमारी मशीन एक ग्रीन कूलिंग मशीन है। थर्ड, हम कम्प्लीटली 100% फ्रेश एयर पे काम करते हैं। हमारी मशीन एसी की तरह एसी हवा को अंदर रूम में सर्कुलेट नहीं करती, हमारी मशीन 100% फ्रेश एयर इंड्यूस करती है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम सेम टनेज के एसी से कंपेयर करें तो हमारा कंप्रेसर कूलर 85 से 90% तक इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत करता है, जो कि आज कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। एसी लेना और उसके बिल्स भरना, ये दो अलग चीज़ें हैं, हमारी मशीन उसको भी सफाइस करती है। हम लोगों ने इस तरीके का इन्वेंशन किया है एक सॉफ्टवेयर का, जिससे कि कितनी मात्रा में पानी चलना है और कितनी बार चलना है, इसको भी हम रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन में जो नॉर्मल कूलर है उससे 50 से 60% तक पानी भी कम लगता है। तो ये मशीन एक रेवोल्यूशन, एक नई तकनीक है, जो कूलर के ऊपर और एसी के बीच की टेक्नोलॉजी है, जो कस्टमर्स को फिनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, प्लस हेल्थ वाइज भी सपोर्ट करेगी, और एक ग्रीन कूलिंग सोल्यूशन है। आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं? ओके, सो 8 मार्च 2020 को इस बार एक नेशनल अवार्ड वायु कंपनी को मिला, जो वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2019 है। इसमें 2300 एप्लीकेशंस पूरे इंडिया से वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ने डाले थे, जिसमें से 130 वीमेन को उन्होंने सिलेक्ट करके दिल्ली फर्स्ट राउंड जूरी राउंड के लिए बुलाया, जिसमें इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशंस हुए। फाइनली 15 दिसंबर को सेकेंड राउंड के लिए बुलाया टॉप 30 वीमेन को, जिसमें से जिनको उन्होंने सुपर जूरी के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा। उसमें प्रेजेंटेशन देने के बाद में फाइनली यह अनाउंसमेंट होनी थी कि टॉप 15 वीमेन ऑफ इंडिया कौन होने वाली हैं, जो जिनको ये नेशनल अवार्ड रिसीव होगा, जिनको नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस इंडिया आगे प्रमोट करेंगे उनके बिजनेस को, उनके वेंचर को, चाहे वो फंडिंग रिजाइन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो। तो 8 मार्च 2020 को मुझे ये अवार्ड मिला, और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हमें एक नेशनल अवार्ड मिला है, और वो भी सबसे पहला नाम हमारा, हमारी कंपनी का लिया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये अवार्ड हमको सुषमा स्वराज भवन, जो कि भारतीय प्रवासी भवन दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर दिया। टॉप 15 में आना एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी हमारे लिए, बिकॉज हर विमेन वहाँ जो प्रेजेंट थी, हर महिला बहुत सक्षम थी, बहुत नए आइडियाज थे सबके ही, सभी पावरफुल थी, और ये अवार्ड मिलना बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे प्रदेश के लिए।